दीदी हैं और उठ चुके हैं ये भी सवेरे सवेरे, और ये भी आज बहुत दुखी हैं क्योंकि आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या ये सही बात है दीदी? नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। रोना नहीं है। तो गाइस, मम्मी डैडी भी सवेरे उठ चुके हैं और ये जैसा कि मैंने बोला था, हमारा बागडोगरा के अंदर लास्ट व्लॉग है। डैडी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि हम दिल्ली जा कर के भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय, उनको कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे? क्या बोलो, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग के द्वारा मैं मैसेज देता हूँ कि मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा गर्म पानी पीने से स्वास्थ्य थोड़ा से ठीक रहता है, पीजिए जैसे खाली पेट में। ओके डैडी, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली आएंगे तो उस वाले ब्लॉग के अंदर भी आप नज़र आ सकते हैं, माता जी को भी उसके अंदर नज़र आना होगा। माता जी तैयार रहिएगा, क्या आप तैयार हैं माता जी? एकदम रेडी हो रहा हूँ। सो दोस्तों, ये मेरा बागडोगरा में लास्ट ब्लॉग है। दैट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू शट माय यूट्यूब चैनल एंड स्टॉप ब्रिंगिंग द वीडियोस फॉर यू गाइस, बट अपेरेंटली मैं अब जो फील कर रहा था अपने आप को नेचर से क्लोज, उस चीज़ पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगने वाला है, जस्ट बिकॉज दिल्ली में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी और दिल्ली में बारिश भी नहीं हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। मतलब यहाँ आप आँख खोलो, बारिश, सामने पहाड़, हरियाली चारों तरफ, यही तो आप देखना चाहते हैं, यही तो हम सब देखना चाहते हैं और यही तो मज़ेदार चीज़ें होती हैं देखने वाली। इसको देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये वीडियो जो है, मैंने जिस दिन मैं आ रहा था उसी दिन रात भर से बारिश हो रही थी, तो मैंने सवेरे उठ करके कुछ ये वीडियोस कैप्चर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तभी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। हम अब दिल्ली वापस जा रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और एयरपोर्ट की तरफ हम निकल चुके हैं। डैडी जी गाड़ी चला रहे हैं, ये मेरे साथ नोआ, नोआ ये देखिए नोआ की माँ, और मेरे साथ इधर मम्मी भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। हेलो मम्मी, कैसे हैं आप? ठीक है बाबू। ओके मम्मी। ये मैं और डबीना हम लोग बैठे हैं, बहुत उदास हैं हम लोग, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पर घर वापस जाते हैं। बेटे अच्छा लग रहा है? तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें घर जाना है और हम लोग एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। नोआ ये देखिए, छोटा सा क्यूट सा नोआ इधर दिख रहा है आपको। फ्लाइट में बैठते हैं और दिल्ली में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। हाय गाइस, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये रही दबीना। दबीना आप थक गए हो? आर यू टायर्ड? फ्लाइट हमारी हाफ एन आवर लेट है। यस, वी विल सी यू इन दिल्ली गाइस, बाय। सो गाइस, हम दिल्ली के लिए फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे नए वीडियो का इंतज़ार रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कंचनजंगा है और ये आपको फ़्लाइट से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। मतलब फ़्लाइट उठ रही थी करीब 30,000 feet एंड अबव, और आप देख सकते हैं कि आपके विंडो से ये जो नज़ारा है, मतलब कातिल कह सकते हैं इस नज़ारे को। आप देखिए खूबसूरत नज़ारा, कंचनजंगा जो माउंटेन है उसको आप देख पा रहे होंगे। और अब हम लैंड करने वाले हैं दिल्ली में। सो भाई साहब, फ़्लाइट लेट होने के बावजूद भी इन लोगों ने कवर अप कर लिया है और हमें पहुँचा दिया है बिल्कुल टाइम पर। सो वी आर अबाउट टू लैंड एंड होपफुली विल जस्ट गेट होम एज सून एज पॉसिबल एंड विल एक्चुअली शो यू कि भाई कितना हमें टाइम लगने वाला है घर सफाई और सारी चीज़ों को वापस से रीअरेंज करने के लिए। सो होप
यू लाइक इट गाइज, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड विल कैच अप विद यू गाइज। हम आ गए हैं वापस दिल्ली में, ये रहे नोआ और उसकी मम्मी और बोरी नोआ की दीदी। सो हम IJ83 पे आए और एकदम एयरपोर्ट खाली था, तो हमें जल्दी बाहर निकलने का मौका मिल गया, तो घर पे आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। हम भी अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और हम अच्छे से सेफली दिल्ली पहुँच गए। वी आर रियली सॉरी, कल शाम की घर पहुँचने के बाद की व्लॉगिंग हम नहीं कर पाए, क्योंकि एज यू ऑल नो वी वर वेरी टायर्ड। हमारी फ्लाइट 1 से 1.5 घंटे डिले हो गई और विद अ स्मॉल बेबी एंड विद 2 kids इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। तो इसीलिए बाकी नोआ सुबह 5 बजे का उठा हुआ है एंड ही इज़ मिसिंग हिज नानू नानी मासी और यहाँ यू नो हम उसको नीचे भी नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि आपको पता है वी हैव कम आफ्टर 3 months और घर में थोड़ी सी धूल मिट्टी और घर की हालत थोड़ी ख़राब है, इसलिए हम उसको नीचे नहीं छोड़ पा रहे हैं और एंड उसको नीचे रहने की आदत हो गई है नोआ। ये देखिए, तो ये 5 बजे का उठा हुआ है एंड ही वॉन्ट्स टू स्लीप नाउ। बाकी घर की हालत बहुत ख़राब है, ये देखिए किचन, सारे बर्तन डीप क्लीनिंग होनी है किचन की, लेकिन हम मेरे को जितने यूटेंसिल्स चाहिए, चाय के बर्तन, ये तवा, ये सब मैंने धो धो के हम ब्रेड और मक्खन से नाश्ता कर रहे हैं और बाकी घर की हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ख़राब है, बट नेवर द लेस आई क्लीन द हाउस। एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी आज में। आज संडे है, ये अच्छी बात है कि इनकी छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, सो आई गेट इनफ टाइम टू डीप क्लीन द हाउस और मेरी जो हाउस मेड है शी विल ऑल्सो कम एंड हेल्प मी आउट।